पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के क्या कारण हैं? एक समय पर नेक्स्ट सचिन कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ को आईपीएल 2025 के ऑक्शन में खरीदार तक क्यों नहीं मिला, और क्यों पृथ्वी क्रिकेट के मैदान से एक तरीके से दूर जाते दिख रहे हैं? इस पर खुद पृथ्वी के बचपन के कोच ने बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों, आज के क्विक बाइट्स में हम पृथ्वी के कोच के बड़े खुलासे की सबसे पहले चर्चा करेंगे, और बाद में आपको आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर का अगला कप्तान कौन बन सकता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2018 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते ही धमाल मचाने वाले पृथ्वी शॉ आज बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी फिटनेस, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रोवर्सीज ने उनके करियर का बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रणजी ट्रॉफी से ड्रॉप होने के बाद आईपीएल 2025 के ऑक्शन में 75 लाख के बेस्ट प्राइस होने के बावजूद पृथ्वी अनसोल्ड रह गए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब दिया है पृथ्वी के बचपन के कोच संतोष पिंगुटकर ने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पृथ्वी अभी सिर्फ 25 साल के हैं, उम्र उनके साथ है, लेकिन अगर उन्हें अपने करियर को बचाना है तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। पिछले कुछ समय में पृथ्वी का ध्यान क्रिकेट से हटकर दूसरी चीजों में ज्यादा लग गया। वह क्रिकेट से बाहर अपने ग्रुप्स के साथ ज्यादा व्यस्त रहने लगे। उन्हें क्रिकेट से प्यार है, लेकिन वह इस प्यार को मेहनत में बदल नहीं पाए। यही वजह है कि वह इस स्थिति में है। कोच का कहना है कि अगर पृथ्वी जल्द से जल्द डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं तो वह एक बार फिर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर पृथ्वी शॉ के कंट्रोवर्शियल पोस्ट और पार्टी वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं फैंस और क्रिकेट पंडितों के बीच उनकी छवि को बेहद खराब करती है। जाहिर है पृथ्वी को कई बार ट्रोल किया गया है, और यही ट्रोलिंग उनके मानसिक स्वास्थ्य और फोकस पर असर डाल सकती है। अब बात करते हैं केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले कैप्टन की। इस बार फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। माना जा रहा था कि केकेआर की कप्तानी के लिए वह सबसे बड़े दावेदार होंगे, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो केकेआर अब अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाने पर विचार कर रही है। रहाणे को मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा गया था। उनके पास आईपीएल और टीम इंडिया दोनों में अच्छा खासा अनुभव है। 2018 और 19 में रहाणे ने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की थी, और हाल ही में वह मुंबई की रणजी टीम के भी कप्तान थे। उनकी क्लैम पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल्स उन्हें केकेआर के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना सकती है। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी शॉ अपने कोच की सलाह मानकर वापसी करेंगे, और क्या अजिंक्य रहाणे केकेआर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक रोमांचक अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।